एबीवीपी द्वारा एडमिशन्स ना मिलने पर यानी इंटेक कैपेसिटी कम होने के द्वारा जो है यहाँ पर जो छात्र आप देखेंगे आए दिन, अगर मैं जम्मू की बात करूँ वहाँ पर जो है उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन भी किया जाता है। तो आज एबीवीपी के स्टूडेंट जो है बच्चों की पुकार लेकर यहाँ पर डिपकॉम ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि पुलिस बल, देखिए आप यहाँ पर की पुलिस दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस को तैनात इसीलिए किया गया है कि ताकि कोई भी इस तरह का कार्य ना हो, यानी किसी को कोई भी हानि ना पहुंचे ना यहाँ पर और ना ही वहाँ पर। तो इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बिल्कुल आप डिपकॉम ऑफिस के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर इतने सारे, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उस मांग को यानी एडमिशन की मांग को लेकर पहुँचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे जो वहाँ पर चाहते थे कि हमें एडमिशन्स मिले वो भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जो कट ऑफ लिस्ट की हम बात करें वो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे हैं वो जम्मू के बच्चे हैं और वो जम्मू में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एडमिशन्स नहीं मिलेंगी तो किस तरह से जो है वो सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं होती है कि यानी जम्मू से बाहर जाकर जो है वो स्टडी कर पाए या जम्मू से बाहर जाकर कोई भी डिग्री हासिल कर पाए। और बहुत से अगर हम बात करें तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को जम्मू में ही रहकर जो है वो पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से इतने ज़्यादा जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता भी जो हैं और एबीवीपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो भी यहीं पर हैं। तो चलिए बात करेंगे इनसे, प्रयास करेंगे बात करने का। तो हालांकि ये तस्वीरें बिल्कुल आप डिपकॉम ऑफिस के बाहर की देख रहे हैं और डिपकॉम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि इतने जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक मांग सिर्फ ये है कि हमें एडमिशन मिलना चाहिए, तो उनके लिए पुलिस कर्मियों को जो है वो तैनात कर दिया गया है और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। लेकिन आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों की सिर्फ ये मांग है, जो लोग हमें देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एडमिशन्स नहीं मिल रही हैं बच्चों को, हमने कल भी बताया कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो वो बच्चे थे जो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हमने जनरल कैटेगरी में जन्म लेकर क्या गुनाह कर दिया है, उन्हें इस तरह का जो है वो लग रहा था। तो यहाँ की जो पुलिस है बिल्कुल वो गेट पे, बिल्कुल मैं मेन गेट की बात करूँ तो वहीं पर तैनात है, क्योंकि बच्चों को जो है यहाँ पर आगे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। तो इस तरह से पुलिस जो है उनका स्वागत करने के लिए जो है वो यहाँ पर बैठी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार ये कहते हैं कि यहाँ पर विजन की जो है वो लगातार कमी है। और अगर मैं आपको ये बात बताऊँ, जिस तरह से आप लोग भी जब कॉलेज में स्कूल में थे तो आपका भी सपना था कि आप भी कॉलेज जाना चाहते हैं, उसी तरह से इस साल में भी जो बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं 12th कोरोना काल में, उनका भी ये सपना है कि उन्हें कॉलेजेस में जाना है, बट उन्हें कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा। तो एबीवीपी उनके सपोर्ट में जो है वो यहाँ पर उतरी है। और एबीवीपी की मैं बात बताऊँ, वो अक्सर ही बच्चों का संगठन है और बच्चों के हक के लिए जो है वो बाहर वो उतरते हैं। तो चलिए हम बात करने का प्रयास करते हैं। मुकेश मन्हास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज विद्यार्थी इस मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स इतने सारे जो हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेजेस हो, चाहे जम्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजेस हो, इतने मार्क्स लेने के यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे साथ कुछ बच्चियाँ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम, अभी आपको फर्स्ट ईयर में जो है परसों फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल रही थी? अक्सर पूछती हूँ क्योंकि हम भी उसी स्टेज से आए होते हैं। जब आप यहाँ पर स्कूल में थे कॉलेज के लिए क्या कुछ सपने से जुड़े थे? सपने तो बहुत देखे थे कि आगे बढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अब वो हो ही नहीं रहा। जब हमें एडमिशन ही नहीं मिल रही, कॉलेज में जाते हैं अपनी मर्जी से, माँ बाप तो हमें भेज देते हैं पढ़ने के लिए, पर हम जाएगा, हमें तो रोडों पे आना पड़ता है। एक तो लड़की इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम आती हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी कॉलेज वाले बोलते हैं सीटें खत्म होगी, एडमिशन नहीं। बहुत से घर ऐसे होंगे दूर दराज के जो अपनी बच्चियों को इतनी दूर प्रेफरेंस नहीं देते होंगे, फिर भी बच्चियां घर से बाहर आ रही हैं कि हमें पढ़ना है, हमें अपना गोल अचीव करना है, हमें कुछ बनना है, लेकिन उसके बावजूद आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो फिर किस तरह का लगता है जबकि बच्चे पेरेंट्स भी एग्री, बच्चे भी एग्री, आगे एडमिशन नहीं देते? एक हफ्ते से तो हम डेली आ रहे हैं कि हमें एडमिशन मिल जाएगी। जहाँ भी जाके लिए आप है, कहाँ दूर से आई? अब तो यही डिमांड है कि हमें एडमिशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं मिले तो हम घर
में आना पड़ेगा और हमारे माँ बाप तो ये चाहेंगे कि बेटियाँ घर में बैठे, बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए तो कहते हैं कि हमें एडमिशन खोलो, हमें एडमिशन मिलनी चाहिए। बहुत प्यारी बात कही, बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बेटियाँ दो घर को चलाते हैं। हमारी तो ये डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, अब इसीलिए तो हम आए यहाँ पे, बस एडमिशन मिल जाए। वीवीपी वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का लग रहा है? चलिए आपके सपोर्ट में कोई तो आया, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ आके और लगता है कि हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो क्या नाम है आपका? तानिया राजपूत। तानिया, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं छोटा सा आपसे कम शब्दों में जानना चाहूंगी, एडमिशन ना मिलने पर किस तरह का महसूस कर रही हैं? पूरा रोना आ रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स लेके भी हमें एडमिशन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें? कॉलेज आने का सपना है, बहुत सपना होगा जब ट्वेल्थ में। हाँ, हमने तो बहुत कुछ सोचा था, हम कॉलेज में ये करेंगे, मम्मा पापा का नाम रोशन करेंगे। हमने बहुत कुछ बोला था मम्मा पापा को भी, हम इस कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर हमें एडमिशन ही नहीं मिल रही। इतने अच्छे मार्क्स लेके भी हमें एडमिशन नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या करें? आज इनको शर्म आनी चाहिए, लड़कियाँ, खासकर लड़कियाँ सड़क पे आई हैं, हमारे माँ बाप नहीं चाहते। तानिया, मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, आप तीनों यहाँ पर है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, लेकिन बेटी यहाँ पर है, बेटी पढ़ नहीं पा रही, आपको नहीं लगता है? क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे प्रधानमंत्री जी को? हाँ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचा तो रहे, मैं पढ़ा नहीं रही, इस पे इनको बोलना चाहिए। हमने इतनी मेहनत करके 80-90 से अब स्कोर किया, क्या फायदा? उसकी फैमिली तो खुश है, स्कूल से आए, टीचर्स भी खुश है, अच्छे से हमें भेजे, लेकिन हम जाएं कहाँ? इतने मार्कशीट को क्या करें लेके? जला दिया हमने उस दिन भी, अब हमारा क्या फायदा वो रखने का? जब हमें एडमिशन नहीं मिल रही, हम क्या करें घर में बैठ? एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, कौन से यूनिवर्सिटी में जाती हैं या कौन से कॉलेज में जाती हैं आप? हम डिग्री कॉलेज कोटभरवाल में जो न्यू ओपन हुआ वहाँ पे जाते, फलोड़ा कॉलेज, परेड में भी किया, लेकिन वहाँ पे भी नंबर नहीं आया, तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिस्ट आउट हो गई है, अब कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, आपकी आ रही है? नहीं मैम, रोना ही तो आएगा ना, अब क्या करें, एडमिशन ही मिल रही है, मैंने 84% ली है साइंस में, तो अब एडमिशन ही कहीं मिल रही है तो कहाँ जाना है हमने, क्या करें हम? परेड में 45 वाले अबव जितने थे ना, उन सबको एडमिशन मिली है, लेकिन हमने 80-90 स्कोर किया, हमें एडमिशन नहीं मिल रही। वेट कहते हैं लिस्ट का वेट करो, 4-5 लिस्टें तो निकल, 5% 50 वालों को मिल रहा है। आप पहले मेरे को एक चीज क्लियर कर दें कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एसटी। अच्छा, आपको भी एडमिशन नहीं है? कह रहे थे कि कैटेगरी लिस्ट आएगी, उसमें वेट करो, चेक किया, उसमें भी नहीं आ रहा। कितना जाता है मेरी बहन, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम, जो कल कैटेगरी लिस्ट निकली है उसमें कट ऑफ इन्होंने 45 भी रखा है, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। आपकी 84 है? हाँ, 84, मेरे 84 है साइंस में, लेकिन मेरा नाम भी नहीं आया। 84 है? हाँ, 84। उन्होंने बोला कि कैटेगरी लिस्ट निकलेगी, आपका एसटी है तो आपका नाम आ जाएगा, लेकिन नहीं आया नाम। बहुत मुश्किल है, मतलब बच्चों को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये इतने से बच्चों के लिए इतना भारी भरकम पुलिस को तैनात किया गया है ताकि बच्चे इस गेट से उस गेट में ना आ पाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि बच्चों ने बताया कि कितना कट ऑफ लिस्ट में जो है, कितनी कट ऑफ लिस्ट गई है, और किस तरह से ये जो बच्चे हैं कल जर्नल वाले थे और आज एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आपने जो है इनके भी विचार सुने, क्या कुछ कहना है इनका, लेकिन बच्चों ने जो है वो बेहतरीन अंक लेकर भी वो एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया होगा जिस क्राइटेरिया में ये फॉल नहीं करते होंगे, बट जम्मू के रहने वाले बच्चों को हक है पढ़ने का, तो उन्हें भी कॉलेजेस में एडमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर जाना जम्मू से अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजना चाहते होंगे, तो बच्चों को जम्मू में ही रहना है, तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, आखिर बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन, आशिया खान के साथ अल्लाह।